दीवार संचालन के बाद अब स्कंध संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों के अंतरिया नीचे की ओर, पार्श्व भागों से पूरे हाथ ऊपर उठेंगे एक साथ, दोनों हाथ कंधों के बराबर। अब हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर देंगे और हाथ ऊपर उठा देंगे एक साथ, और अब हथेलियों को बाहर की ओर एरिया ऊपर उठ जाए तो अच्छा है, ऊपर की ओर तान के रखे शरीर, अंधेरियों का रुख बाहर की ओर, आप सुंदर कर रहे हैं सभी एक रूपता के साथ, इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी। बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस की एकाग्रता, फिर हाथों को नीचे ले आएंगे धीरे धीरे और दोनों हाथ जंघाओं के समान, फिर से एक बार हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कंधों के बराबर हाथ आने पर हाथों पर हथेलियों पर ऊपर की ओर, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा देंगे पूरा और हथेलियों पर बाहर की ओर। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी एक रूपता के साथ, हथेलियों का रुख बाहर की ओर और फिर दोनों हाथ नीचे। ये दीवार संचालन के बाद स्कंद संचालन का प्रथम अभ्यास हुआ, दोनों हाथों को सामने से लेंगे और दोनों हाथों कंधों के ऊपर रखेंगे, दोनों कोहनियों को मिलाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए हाथों की कोहनियों को ऊपर उठाया और पीछे से लगते हुए सामने से मिलाएंगे, एक श्वास में एक अभ्यास, दोनों हाथ कंधों के ऊपर ही रखेंगे।